नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्प प्लान की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉलेज एग्जाम 2020 की जो अलग अलग कंडीशन चल रही है कोरोना के कारण, जो स्थितियाँ गंभीर बन चुकी हैं, तब दोस्तों एक स्टेट से खबर आ रही है घर बैठे ओपन बुक एग्जाम्स होंगे। अब यूजी पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा है, मतलब फाइनल ईयर की अपनी तरह का एक नया पैटर्न अपनाया गया है। और दोस्तों रद्द यूनिवर्सिटी की जो रद्द एग्जाम है उसके बारे में भी खबर आ रही है कि एग्जाम्स है वो रद्द हो सकते हैं। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स को लेकर जो कल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसका क्या अपडेट रहा, फाइनल ईयर एग्जाम के बारे में अभी क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इस रिलेटेड कुछ अपडेट आए मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर सकूँ। तो आप देख पा रहे होंगे गत वर्ष के प्राप्तांक और ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों पर दिया जाएगा 50-50% वेटेज। दोस्तों, यहाँ पर जो खबर आ रही है वो मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर घर बैठे किताब खोलकर विद्यार्थी देंगे यूजी पीजी फाइनल ईयर की जो एग्जाम है वो ओपन बुक प्रणाली से होंगी। और उस प्रणाली में कैसे होने वाला सिस्टम दोस्तों, जो जो पूर्ववर्ती कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और जो पहले की कक्षाओं के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो असाइनमेंट और उसके आधार पर सीधा प्रमोट कर दिया गया है, अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया। अब जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उनके घर बैठे उनको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, नेट पर वेबसाइट पर उनको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा, फिर उसको उत्तर पुस्तिका है वो आप ईमेल के माध्यम से भी जमा करवा सकते हो या फिर सीधा आप घर बैठे भी संग्रहण केंद्र पर भी जाकर जमा करवा सकते हो। यहाँ पर भी ये भी खबर दोस्तों वहीं से है, एमपी से। स्नातक अंतिम और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से होंगी। तकनीकी प्राप्त में जो पाठ्यक्रम है उनकी जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है दोस्तों वो पूरी ऑनलाइन हो रही है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें भी यही है कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वही कंप्लीटली आयोजन करवाया जाएगा। तो मतलब ये दोस्तों यूजीसी की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये पूरा मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीच का रास्ता निकाला है, ताकि स्टूडेंट्स भी घर बैठे एग्जाम दे सकें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ, सुरक्षा के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ एग्जाम्स करवाए जा सके। और जो जितने भी अन्य सत्र के विद्यार्थी हैं जो दूसरों को उनको सीधा प्रमोट कर दिया गया, और बाकी को 50% जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% पहली कक्षाओं के और 50% जो मार्क्स आएंगे उस अकॉर्डिंग आपको घर बैठे लिखेंगे उत्तर पुस्तिका और उसको लिखकर और लॉगिन आईडी द्वारा जो वेबसाइट प्रश्न पत्र डालकर और कंप्लीटली वापस उसको जमा करवाना होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है एमपी के विश्वविद्यालय के लिए। कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई हमारा फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर यूजीसी ने जो है तो कंप्लीटली यही अपडेट आ रही है, रद्द हो सकती है विश्वविद्यालय की परीक्षा। जो अगली सुनवाई है वो 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी में होने वाली है, तो हम जरूर कुछ जैसे ही कुछ अपडेट होगी श्योर आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। दूसरी और अपडेट है दोस्तों, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं कराने पर यूजीसी 3 दिन में दे जवाब। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है कि जो स्थिति कोरोना वैक्सीन की जो है लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो है कंप्लीटली कोरोना महामारी चल रही है, जगह जगह कर्फ्यू है, लेकिन आप एग्जाम्स की गाइडलाइन कैसे दे सकते हो। तो 3 दिन में यूजीसी से जवाब मांगा गया, यूजीसी अब जवाब पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका पर यूजीसी का नोटिस जो सितंबर की परीक्षा का आदेश गाइडलाइन जारी की थी उस पर कोविड-19 महामारी के लिए ज्यादा जवाब मांगा है, तब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब पेश करता है यूजीसी और जो रद्द एग्जाम की क्या स्थिति बनती है उसके लिए आपको श्योर आगे की वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। तकनीकी कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर 24 अगस्त से होंगी। तो राशन जो जितने भी तकनीकी पाठ्यक्रम हैं उनकी सबकी जो ऑनलाइन एग्जाम है वो पूरी ऑनलाइन करवाई जाएगी। एससी ने सरकार से मांगा जवाब, इसको देख चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर इस सप्ताह में हो सकता है निर्णय। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे यहाँ पे जो यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी वहाँ पर इस सप्ताह निर्णय लिया जा सकता है ओपन बुक एग्जाम या फिर कैसे करवाया जाए उस बारे में और आगे की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र औसत अंकों के आधार पर होंगे प्रणोत। तो दोस्तों जो DDU की यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ से ये अपडेट आ रही है, जो औसत अंक हैं उनके आधार पर प्रणोत किया जाएगा, असाइनमेंट और जो वर्ष भर की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। DU ओपन बुक एग्जाम के मार्क टेस्ट में फिर उलझे छात्र। तो दोस्तों जो आप जैसे पता ही है दिल्ली विश्वविद्यालय में DU है वहाँ पर ओपन बुक एग्जाम प्रणाली अभी से शुरू हो चुकी है, वहाँ पे फाइनल ईयर के चल रहे हैं, जैसे MP में बात चल रही है वैसे ही। तो ओपन बुक एग्जाम में समस्या ये सामने आई, किसी विद्यार्थी की वेबसाइट ही किसी को दिखा एरर, तो इस प्रकार से नॉर्मल सी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं DU में भी। और स्वाभाविक सी बात है ये आना ही है, एक साथ सर्वर लोड होने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन समय के साथ सुधार हो जाएगा और अच्छे से कोरोना महामारी की सुरक्षा के साथ एग्जाम का आयोजन हो जाए ऐसी हम आशा कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी दृष्टि का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको श्योर वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।